कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज कुछ नया करने वाले हैं अपने घर पे, मतलब मैं कुछ सिलने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ किसका मैं जो क्या सिलना है। तो ये है हमारी नन्ही सी लाडो रानी, और ये है उनकी मम्मी, और सब लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने बोला है कि मैं लली के लिए ना माता जी का लहंगा बना दो। तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है ना, तो हम लहंगा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चुन्नी लेकर आए हैं हम, और ये दुपट्टा है, ये तो हमें कुछ नहीं करना इसका, और ये अस्तर है, तो इस पे हमें लहंगा बनाना है इस लली के लिए। और लली अभी सो रही है। नन्नी, तुम्हारा लहंगा बन रहा है, तुम सो रही हो। तो इसको हम कटिंग करते हैं, लहंगा कैसे बनेगा तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला लहंगा है बाबू का, स्कर्ट है, तो इसको हमें लहंगा सेम टू सेम हमें ऐसे ही बनाना है। तो इसका नाप ले लेते हैं पहले कितना है, तो बेल्ट छोड़ के ही लेंगे। आज मैं सिलाई का ट्यूटोरियल खोलने बैठी हूँ। 10 इंच चाहिए, तो हम थोड़ा सा 10 ही ले लें। 10 का 11 कर लेते हैं। 10 10 चाहिए, ये लंबी भी है तो इसे छोटी रख लेंगे। ये मैंने यहाँ तक पे लिया, तो 10 इंच का ले ले रहे हैं हम ये। ऊपर से कटिंग कटिंग हाँ, कटिंग हो गई, तो 11 इंच पे हमने ले लिया इसे। और ये भी हम 11 का छोटा हो जाएगा। ये तो हम जितना फोल्ड होगा उतना ही तो ले पाएंगे, महीने से ज्यादा फालतू फायदे क्या है। मैं तो तुम्हारा लहंगा बना रही थी और तुम हंस रहे हो। आले आले, तुम मामी को जानते हो? मामी लहंगा बना रही है तुम्हारा, सच बताओ। अरे तभी तुम्हें नजर लगती है, हम बातें कर रहे हो, तुम्हें नजर लगती है तभी तुम रोती हो। मम्मी हाँ, हम बातें कर रहे हैं, एकदम जग के अपने आप देखने लग गई है। सच्ची में तुम पहचानती हो मुझे, तुम पहचानने लग गई सच्ची में। बोलो फिर, मामी लहंगा बना के दे रही तुम्हारा, कंजक में पहनोगी नन्नी सी, कंजक बनेंगी जे कंजक। तो मैं 12 इंच का कर लेती हूँ, तो 12 12 इंच पे ले लिया, लंबाई भी 12 इंच ले ली और चौड़ाई भी 12 इंच पे ले ली, क्यों घेर बनाना ना इसका, तो इसके निशान लगा लेते हैं। फिर सिर आ रहा है, उबासी आ रही है, ये 12 इंच की मैंने लगा लिया, लंबाई भी ले ली चौड़ाई भी ले ली, तो चौड़ा डब्बी बन गया। अब इसको मैं क्या करूंगी, ऐसे फोल्ड कर दूंगी, मतलब अभी कटिंग नहीं किया है, सिर्फ फोल्ड किया है, तो हमारा घेर बन जाएगा अच्छे से। अब इस पे कमर लेना है, कमर कितनी है, कमर कैसे है इसी का कर लो चौथा। इसका कमर का ले लिया 7 है ना, तो उसको चौथा हिस्सा बना 1.5, 1.5 का हमने 2 कर लिया, क्योंकि हम स्टिच कर रहे हैं अभी, परफेक्ट तो ऐसे है नहीं ना, 2 इंच पे हमने थोड़ा सिलाई में भी जाएगा, सिलाई लाई में भी जाएगा, कटिंग नहीं है, तो हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया इधर ऊपर से, इधर दिखा इधर वाला, ये 2 इंच पे निशान लगा दिया हमने ऊपर से, 3 3 और ये चीज 2 2.5 बन रहा है, मतलब ऊपर से 3 इंच घटा दिया हमने यहाँ से। और उसके बाद लेंथ कितनी बनी, 9 इंच पे लेना है, 9 बनी ना जो आपने निशान लगाया था, लेकिन हमें तो 11 लेना है, वही तो मन का था ऐसे में लो निशान वो छोड़ हाँ। है ना, तो हमें चाहिए 11 इंच, नहीं 12 पे लगाया था हमने, 12 हाँ 12 इंच, 12 इंच पे लगाया, तो 11 तैयार हो जाएगा, 12 इंच पे हमारी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हम पूरा 12 12 कट गुलाई कर दे रहे हैं। गुलाई मतलब लड़की है, और इसको गोल कर दे रहे ऐसे, ये तो ये हमारी बन जाएगी नीचे वाली घांगरी, ये सिलाई थोड़ा फोल्ड हो जाएगा ना, थोड़ा इधर भी लगेगा थोड़ा, तो इसको अब हम काट ले रहे हैं, ये वाली हमारी घांगरी है, कैंची भी बड़ी राम प्यारी है, मैं कह रही हूँ ना स्लिप हो जाती है। ये इतनी बड़ी हमारी घाघरी बन जाएगी बाबू की, ठीक है। मुझे क्यों पता, मैं काटती हूँ ना, बनाई हुई है ना उसके लिए, बनाती थी लाडो के लिए, तो मुझे
याद है, लेकिन काटते ही नहीं, डर लगता है काटने में। तो अब इस पे करेंगे सारा काम, लेकिन ये अस्तर हमारा कट के रेडी हो गया। अब बना लेते हैं चोली बाबू। चोली कितनी छोटी सी बनेगी, छोटी सी चोली बनेगी बाबू की। लगे तुम्हारी चोली में। ये वाला है बाबू का स्कर्ट, ऊपर का स्कर्ट में टॉप, तो इसके मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। तो हमें ना लंबाई लेनी है वो तो इतनी लेनी है, मतलब क्रॉप टॉप के हिसाब से लेनी है ना, तो वो 7 इंच बैठ रही है ऐसे बाबू के लिए। बाबू उधर हो जाओ नहीं थोड़ा अच्छा, ऐसे करके लिए हमने। तो हमें इतना बनाना है, मतलब ये पेट के ऊपर ऊपर का रखना है, तो वो 7 इंच, 6 पे बन रहा है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया तो 7 इंच। और ये वाला जो ले लिया है वो 11 बन रहा है, तो हमने 1 इंच फालतू ले लिया है, ऐसे 11 हो रहा है तो हमने 12 ले लिया, तो ऐसे हो जाएगा चौड़ाई में 12 और लंबा हो जाएगा 7। तो इस पे हम लंबाई चौड़ाई ले, इसका नाप ना, इसकी चौड़ाई क्या है? अरे वाह, अरे बाप ले, इसकी तलाई कितनी है? अगर फिट रखे तो फिट रखे हाँ। तो 17.5 है, 17.5 का क्या, 8 लाडो, 8 16 लाडो, देखो 7.5 इधर देख लो, 7.5 बना, 7.5 बना फिर। तो जो हमने बाबू का लिया ना, यहाँ से मेजरमेंट लिया है, तो ना वो बाबू का ज्यादा बन रहा है, तो जो 12 लेना था हमें, तो 12 की जगह हम 14 लेने वाले हैं, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा कर दिया। बाई चांस हमसे खराब हो गया, ज्यादा ना हो जाए, मतलब कि कटिंग ज्यादा ना हो जाए, तो इसलिए हम चौड़ाई में 14 इंच ले रहे हैं, 7 इंच पे ही रखेंगे ऐसे। ये 14 और 7 हमारी क्रॉप टॉप बन जाएगी बाबू की। मेरे भी क्रॉप टॉप बनाना। हाँ बनाऊंगी तुम्हारी भी। जैसे इसके से होने को वैसे मैं करूंगी। मम्मी जब आप जग बिठाओगे ना, निशान चौड़ाई लंबाई 14 और 7 इसको मैं कट कर लूंगी। कटिंग मेरी है, सिलाई इनकी मम्मी है, ये धीरे धीरे करेंगी, काट मैं दे रही हूँ। तो बाबू का हमने जो शोल्डर लिया है वो लिया है 3.5 इंच, 3.5 इंच लिया है, और जो गुलाई देनी है वो हमने लिया 1.5 इंच की ऐसे, और लेंथ तो हमने 7 इंच ली है, तो इसको हम इधर खुली वाली साइड है ना उधर मिला देंगे 1.5 इंच के निशान को ऐसे करके। और यहाँ पे अभी इसको गुलाई दे देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं स्लीव ऐसे स्टेप वाला टॉप है ना, स्टेप वाला बनाएंगे ना, हाँ स्टेप वाला बनाएंगे, बाजू से लगाएंगे नहीं। और अभी चेस्ट की जो हमें लेनी है वो हमने रखी है बाबू की 5.5 इंच, और इधर 1.5 इंच पे हमने कटिंग का निशान, तो मतलब बराबर बराबर लिया, तो इतना हमने ले लिया है। ये हमारी फिटिंग है और यहाँ से खुल जाएगा तो ये कटिंग है, तो ऐसे करके निशान लगा दिया। और लाडो मस्ती कर रही है ना लाडो, 5.5 पे लगा दिया और यहाँ से कटिंग हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा ड्राफ्ट बन गया है चोली का, ऊपर की चोली का। और गला तो ऐसे ही रखना ना, पान पत्ती वाला जैसे रखना, नहीं गोल गला ना, ना गला तो करना शोल्डर ले लिए ऐसे करके 4.25 इंच या मान लो 4.25 इसको हम दे रहे हैं गुलाई ऐसे करके, ये हमारे शोल्डर हो गए। अब इसको कट कर देते हैं, मुझे दे देना लाडो, इधर देखो लाडो, दीदी आ रही हूँ, दीदी कोई जाओ इधर को, जाओ जाई जाओ ही ओले रे, अगर हमें लगेगा तो हाँ, नहीं अब नहीं लगेगा, अब सही आ जाएगा। तो ये हमारा चोली भी कट गई है, और ये हमारा कट गया है। अब इसको मेन फैब्रिक पे इधर काटना है, अस्तर हमारा पूरा कट के कंप्लीट हो गया है, बेल्ट रह गई, स्टेप रह गए ऊपर के कटिंग करने, तो इतने में बन जाएगा। अब इस पे कटिंग करते हैं, बेल्ट आप खुद बनाओगे?
तो यहाँ पे कटिंग मैंने कर दी थी और रोशनी ने सिला है, मेरी नंद है, तो उनको मैंने बता दिया था कैसे कैसे सिलना है, तो बस वो उनने ऐसे करके सिल दिया है। सारा कुछ मैंने कटिंग करके दी थी उनको, और उन्होंने पहले अस्तर पे मेन फैब्रिक जोड़ दी और उसके बाद बेल्ट, ऊपर की चोली वगैरह था तो सारा जोड़ दिया। और थोड़ा सा उनको समझ नहीं आया, कहीं पर रह रहा था, मतलब जुड़ नहीं पा रहा था, तो फिर उसके बाद फिर मैं चली गई थी उनको बताने के लिए, और फिर बाद में मैंने ही सारा पूरा कंप्लीट कर दिया। तो अभी इन्होंने इतना तो कंप्लीट कर लिया है और बाद में इलास्टिक वगैरह भी डाल देंगी। वैसे कर लेती है थोड़ी बहुत सिलाई, जैसे मैं बता देती हूँ, सीखी भी है थोड़ी, उन्होंने अपने आप से ही सीखी है देख देख के, तो इस तरीका से कर लेती है। और कहीं कमी बड़ी रहती है तो मैं उन्हें बता देती हूँ, तो उस हिसाब से कर लेती हैं। तो अभी ये फाइनल स्टेप है, ये ऊपर के स्टेप लगाने के लिए रखा है, मेन फैब्रिक पे जोड़ दिया, बीच में से दो कट कर दिए हैं, एक इधर लग जाएगा एक उधर लग जाएगा, ये ऊपर की चोली वाला हिस्सा है। और यहाँ पे फिर मैंने लास्ट में लेस वगैरह लगा के कंप्लीट कर दिया था पूरा, और ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, एकदम देवी माँ का लुक आएगा जब वो पहनेगी। श्री नाम है वैसे, और हम लोग लाडो लाडो बुलाते हैं ऐसे उनको। पलट के दिखा ऐसे ऐसे, ये घांगरा है नहीं, एक ऐसे ये वाला मुझे ऐसे, हाँ ऐसे, अब बन गया पूरा सेट, बन गया पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये पहनने वाली है, इन्हें पहनाना है, ये जब कंजक बनेगी तब मस्त लगेगा। तो ये घांगरा बनाया है, ये ऊपर का बनाया है, और ये कंज वो चुन्नी ली है, तो पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट ये बन गया है।